ऐसे ही और सदाबहार वीडियोस देखने के लिए शिमारू चैनल को सब्सक्राइब करें। आदाब रवि बाबू। अरे जुम्मन मियां, कैसे आना हुआ? जी, मैं ये पूछने आया था कि गन्ने की फसल के लिए और कितने रुपए आपको एडवांस चाहिए? गन्ने की फसल के लिए? लेकिन गन्ने की फसल के लिए तो आपसे कोई बात नहीं हुई थी। ये क्या कह रहे हैं रवि बाबू, ये बात तो तय हो गई थी कि गन्ने की फसल आप हमें बेचेंगे। 10,000 रुपए मैं एडवांस भी दे गया था। 10,000 एडवांस? जी। किसे दे गए थे? आपके होने वाले ससुर चौरंगीलाल जी को। चौरंगीलाल जी, ये रसीद भी मुझे भिजवा दी थी जिस पर आपके दस्तखत। चलो हटो, पहले काम की बात करो। अरे काम ही की तो बात करने आया हूँ मेरी ईट की रानी। जब तू एक आध दिन मिलती नहीं है ना, तो मैं रात भर तेरी याद में सोते रहता हूँ और सपनों में जागते रहता हूँ। तू एक काम करना, मुझे हर दिन इस कुएं के पास मिलते रहना। हा? हम दोनों मिलकर मेंडीकोट और पेटीकोट खेलेंगे। चलो हटो, हमेशा अपना गंदा मतलब लेके आ जाते हो। पहले ये बताओ मेरे काम का क्या हुआ? तेरा कौन सा काम? मेरा कौन सा काम? तुमने मुझसे नहीं कहा था कि मुझे 5 एकड़ जमीन लेके दोगे और उसमें एक बोरिंग पंप भी लगा के दोगे? कहाँ है वो सब? बोरिंग बोरिंग पंप 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 तो तैयार है, सिर्फ मैं जमीन ढूंढ रहा हूँ। जैसी जमीन मिल जाएगी ना, मैं पंप फिट करवा दूंगा। गुस्सा क्यों होती है? ए देख, मैंने तेरे लिए शहर से रेशमी साड़ी और हलवा लाया हूँ। तू जल्दी से मेरे सामने साड़ी पहन ले, फिर हम दोनों मिलकर हलवा खाएंगे। मुझे नहीं चाहिए। अरे पहन लेना। गाँव के प्रधान जी। अरे बाप रे, नहीं आए, मैं आया हूँ। अरे सत्यानाश हो तेरा, मेरी तो जान निकल गई। अभी कहाँ निकली है, अभी तो शुरू किया है। तू किस लिए आया है? वो शैतान की गाड़ी का पेट्रोल लाया हूँ। अरे सीधे से बोलना, शराब लाया? एक ही बार। शराब पिएगी? मैं नहीं पीती, मुझे देर हो रही है। अरे तू हलवा तो खा के जाना। मैं जाती हूँ। अरे साड़ी तो पहन के जा। मैं पहन लूं? तू इतनी जल्दी काहे को आया? इतनी जल्दी? 3 घंटे के बाद मैं आया हूँ। 3 घंटे में तो इंडियन पिक्चर खत्म हो जाती है इंडियन न्यूज के साथ में। तुम्हारी पिक्चर लंबी है क्या? ये रील में कचरा आ गया। अरे तेरी तो पाँव पाँव हवा में रोक लीजिए, हो सके तो दूसरा भी हवा में उठा लीजिए। क्यों? आपकी बर्बादी का टाइम आ रहा है। कहाँ से? वो देखिए। अरे बाप रे, मैं चलता हूँ। कहाँ? आपके लिए भीख में कफन मांगने। अरे साले भिखारी का बाप। नमस्ते। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे सवेरे से तुम्हारे ही खेत में काम कर रहा हूँ। खाना तो छोड़ो, चाय तक नहीं पी मैंने। वैसे ये खेत मेरा नहीं है, शम्भुनाथ जी का है। हाँ, दूसरी बात, जिनका पेट हराम के माल से भर जाए उन्हें खाने की भूख कम लगती है। हाँ नहीं नहीं, बिल्कुल सही पत्ता फेंका। क्या मतलब? मेरे नाम से जाली रसीद काट के जुम्मन शेख से 10,000 रुपए लिए गए हैं। 10,000 जाली रसीद? जरा दिखा दो। ये तो वाकई जाली रसीद है, लेकिन ये ब्लफ किसने मारा, कौन है वो? देखो मुझे गुस्सा आने से पहले बता दो कि वो नालायक कौन है, ताकि मेरे दामाद को फंसाने वाले को मैं बीच बाजार में खड़ा करके उसके सर पर जूते मार मार के उसकी शक्ल बिगाड़ दूं। बराबर है ना? बोलो बोलो। ये लो जूता। किसको मारूं? सबके सामने खड़े होकर अपने सर पे मारना शुरू कर दो। क्या मतलब? ज्यादा चालाकी का रंग मत दिखाओ, सीधे सीधे अपना जुर्म मान लो, वरना पुलिस में दे दूंगा तो उल्टा लटका कर डंडे मार मार कर सच उगलवा लेगी। पुलिस पुलिस में जाने की क्या जरूरत है, ये तो अपने दामाद और ससुर के बीच की बात है। मैंने ही वो जाली रसीद लिखवाई थी, वो 10,000 रुपए भी मैंने ले लिए। वो रकम कहाँ है? खर्च हो गए। खर्च हो गए? हाँ। तुमने और तुम्हारे बेटे ने सारे गांव वालों के सामने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। मेरे पिता ने मरते वक्त मुझसे वादा लिया था कि चौरंगी लाल और उसके परिवार की हर आड़े वक्त में मदद करना, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। और बरसों से पिताजी को दिया हुआ वादा निभा रहा हूं, लेकिन अब बंद खून चूसने वाले सांपों के साथ इंसानियत से पेश आना पाप है और जानवरों जैसे बर्ताव करना पुण्य है। गुरु,
ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंदर से कैसी कैसी आवाज आ रही है? मेरे कलेजे में जो बदले के खेत है उसमें आग लगी हुई है। तुम्हारे अंदर खेत भी है? अच्छा, बहुत घमंड है उस रवि को अपने आप पर। लेकिन मैंने उसका घमंड नहीं तोड़ा ना, तो मेरा नाम चौरंगी लाल नहीं बेरंगी रख देना। अरे उसने अभी तक मेरा असली रंग देखा कहाँ है? अरे मैं उस रवि के बच्चे का घमंड मिट्टी में मिला दूंगा भिको। बस मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन वो मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा। जिस दिन उसने नेहा के गले में मंगलसूत्र लटकाया उसी दिन मैं सांप बनकर उसकी दौलत के गले में लटक जाऊंगा और डंक मार मार कर उसकी दौलत उजाड़ कर दूंगा। बाबू वो गंगापुर के प्रधान जी आ रहे हैं। प्रधान जी? ये भगवान, कहीं वो गाय बीमार तो नहीं पड़ गई? बाबूजी नमस्ते। शंकर जी, बाबूजी कैसे आना हुआ? एक मिनट, सब ठीक तो है ना? हाँ। वो गाय को तकलीफ तो नहीं दे रही ना? अरे नहीं नहीं, मैं गाय बाय के सिलसिले में नहीं आया। तो फिर आपने कहा था ना कि आपकी बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का देखूं। हाँ हाँ, वो लड़का मिल गया है। अरे आप बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आइए भाई। बाहर तो कोई नहीं? बाहर नहीं है शंकर जी। तो फिर वो लड़का आपके सामने है। सामने? आप? जी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? हाँ शंकर जी, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। बाबूजी ये सच है कि जब सूरज की किरणें चांद पर पड़ती हैं तो वो रोशन होकर सारी दुनिया को रोशन करता है, लेकिन आप मेरी चंदा को आसमान तक नहीं। बाबूजी आपका और चंदा का क्या मुकाबला? बाबूजी शंकर जी, मैं आपकी हैसियत नहीं आपकी शराफत को देखते हुए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूं। अगर आपको सोचने के लिए वक्त चाहिए तो अच्छी तरह से सोच के फैसला सुना दीजिए। सोचना तो यह है कि यह सपना है या हकीकत है। उस दिन आपने मुझे मौत के मुंह से निकालकर नई जिंदगी बख्शी है और आज आप मेरी बेटी के गले में मंगलसूत्र बांधकर उसे ऊंचे खानदान की बहू बनाने की बात कर रहे हैं। एक कच्ची मिट्टी को संगमरमर का रूप दे रहे हैं। आप मनुष्य के रूप में भगवान का अवतार लेकर आए बाबूजी। नहीं शंकर जी, मुझे भगवान का अवतार नहीं, सिर्फ एक पुजारी के रूप में देखिए जो आपकी शरण में रहना चाहता है। मुझे आशीर्वाद दीजिए। दीदी रो, दीदी रो। आपने तो आशीर्वाद दे दिया, अपनी बेटी से तो पूछिए उसे ये रिश्ता मंजूर है या नहीं। लड़की साथ जब इस तरह शर्मा कर मुस्कुरा कर चली जाए समझो से रिश्ता मंजूर है। बाबूजी, बाबूजी मैं तो खुशी से जुग जुग जिए मेरी लाडली। कितनी प्यारी लग रही है, देखो तो रवि साहब सिर्फ रिश्ता तय होने जा रहा है और ये सुहागरात की दुल्हन जैसी शर्मा रही है। कितनी खुश है। अरे भाभी जी, उससे तो ज्यादा उसका बाप खुश है। मेरा दिल बार बार उछल कर बाहर आ रहा है। संभाल के रख। अच्छा, वरना जमीन पे गिर गया तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। मुबारक हो प्रधान जी। नमस्कार भाई, बधाई। अरे बेटा आ गया तू। माँ ये सब क्या है? मैं आज नेहा से तेरी मंगनी कर रही हूँ। मेरी मंगनी? हाँ। लेकिन माँ। लेकिन क्या? बताता हूँ, पहले इन सबसे कहो कोई यहाँ से जाए। आप लोग जाइए। रुक जाओ, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। माँ मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ, मेहरबानी करके आप लोग जाइए। माँ मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं।
क्यों मंजूर नहीं है? क्या बुराई है नेहा में? मां, रिश्ता लड़की का खानदान देखकर किया जाता है और यह खानदान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसीलिए रिश्ता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे तू कौन होता है फैसला करने वाला? मैंने जो फैसला किया है वही मानना होगा। जब नेहा पैदा हुई थी तभी मैंने उसे अपनी गोद में रखकर जानकी से वादा किया था, आज से ये इस घर की बहू है और तू मेरे मेरे अरमानों को ठोकर मारना चाहता है। मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुझे आज अभी इसी वक्त नेहा से मंगनी करनी होगी। मैं मजबूर हूँ माँ, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि मैंने धामपुर के शंकर जी की बेटी चंदा से शादी करने का वादा कर लिया है। उनसे वादा करने से पहले तुझे ये भी याद नहीं रहा कि मरते समय अपने पिताजी को तुमने क्या क्या वचन दिए थे? माँ, मुझे हर वचन याद है और उसी वचन को निभाते हुए बचपन से लेकर आज तक मैं उन लोगों की मदद करता रहा, मगर उसके बावजूद उसके बाप उसके भाई को रत्ती भर शर्म नहीं आई। अगर इज्जतदार होते चाहे गरीब भी होते तो भी मैं उनके घर से रिश्ता करने से कभी इनकार नहीं करता, लेकिन उन लोगों ने मेरी सेवा और मेरी हमदर्दी का नाजायज फायदा उठाया है। वो हरकतें की कि उनसे रिश्ता करना तो दूर, दुश्मनी करने को भी मन नहीं करता। और इसीलिए तूने उस दो कौड़ी के आदमी की बेटी से शादी करने का वादा कर लिया? माँ, वो भले ही दो कौड़ी के हों लेकिन उनके पास इज्जत और शर्म हया की दौलत है। तो उस दौलत को तू ही चाटता रहे। अगर वो लड़की इस घर में आएगी तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। अपनी बहू से इतनी नफरत है तुझे? वो मेरी बहू नहीं है। मेरी बहू नेहा है, बस एक ही बहू है मेरी। अगर मेरी पसंद की बहू इस घर में नहीं आती तो मैं भी इस घर से बाहर जा रही हूँ। ये तेरा आखिरी फैसला है? पत्थर की लकीर है मेरा फैसला, मगर तू भी याद रखना, मेरे अरमानों के साथ तूने मेरा दिल तोड़ा है। तू भी कभी सुखी नहीं रह सकता, याद रखना मेरी बात को, तू कभी सुखी नहीं रह सकता। माँ,